तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एम जो कि बायोलॉजी से रेलिवेंट हैं और जो कि पूछे गए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में चाहे वो जॉब से रेलीवेंट है या एडमिशन टेस्ट हैं तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच इज़ नोन एज रिवर ऑफ लाइफ ऑप्शन दी गई हैं ए ऑप्शन है टिश्यू बी है सेल सी है ब्लड एंड डी है ऑल ऑफ दीज तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है रिवर ऑफ लाइफ इज़ ब्लड तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें आप तो ब्लड हैज़ फोर कंपोनेंट्स प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि आपको ये ब्लड वेसल uh, में दिखाया हुआ है ब्लड इसके अंदर आपको रेड ब्लड सेल्स नज़र आ रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स नज़र आ रहे हैं प्लाज्मा है और प्लेटलेट्स है जो कि जो भी ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं तो रिवर ऑफ लाइफ जो है वो ब्लड है क्वेश्चन नंबर टू ब्लड इज ए ऑप्शन कनेक्टिव टिश्यू बी इज एडिपोज टिश्यू सी इज़ नर्वस टिश्यू एंड डी इज ऑर्गन तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन देखें ब्लड इज़ अ बॉडी फ्लोइड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स दैट डिलीवर्स नेसेसरी सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स तो ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कनेक्टिव टिशू जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स दिखाई हुई हैं ए लूज कनेक्टिव टिशू बी इज़ एडिपोज टिशू सी इज़ ब्लड डी इज़ फाइब्रस कनेक्टिव टिशू ई इज़ कार्टिलेज एंड एफ इज़ बोन दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिशूज़ तो ब्लड जो है ये भी एक कनेक्टिव टिशू ही है क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि डिफरेंट जॉब्स रेलिवेंट जो भी टेस्ट थे उन्हें पूछा गया है और यहाँ पे ऐड किया गया है ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ए इज़ आइजक न्यूटन बी इज़ विलियम हार्वे सी इज़ चार्ल्स डार्विन डी इज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन तो इस क्वेश्चन का आंसर है विलियम हार्वे ये यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इज़ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एन एडल्ट A option is six liters B is five to six liters and c is six to seven liters d is seven liters so this question can right answer have five to six liters Expl explanation the amount of blood circulating within an individual depends upon their size and weight but the average human adult has nearly five to six liters of circulating blood women tend to have a lower blood volume than men. जो मर्द हैं उनमें ये जो है वॉल्यूम एवरेज वो अगर हम बात करें ब्लड की तो ये कंपैरेटिवली वमेन्स के ज़्यादा होता है तो जो एवरेज होता है वो है फ़ाइव टू सिक्स लीटर्स तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लास्क में आपको ब्लड दिखाया हुआ है तो इसके कंपोनेंट्स भी सेपरेटली दिखाए हुए हैं प्लाज्मा है और वाइट ब्लड सेल्स है और रेड ब्लड सेल्स है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव द पी एच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड ए ऑप्शन इज सेवन टू एट बी इज सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव सी इज़ सिक्स पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव एंड डी इज सिक्स पॉइंट डबल सिक्स टू सेवन पॉइंट डबल सेवन तो इसका आंसर है सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव योर ब्लड हैज़ अ नॉर्मल पी एच रेंज ऑफ सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव दिस मीन्स दैट ब्लड इज़ नेचुरली स्लाइटली अल्कलाइनिक और बेसिक

फोर के दरम्या में जो रेंज है यहाँ पे ये कहा गया है कि ये नॉर्मल पीएच है इससे बिलो और अगर इससे अबव जाता है तो वो या तो एसिडिक होगा या तो ये बेसिक होगा और नाइन पे जाके वो उसमें यहाँ पे ये शो हुआ है डेथ के ब्लड सेल्स की डेथ जो है वो शुरू हो जाती है या हो जाती है तो ये जो नॉर्मल पी होती है ह्यूमन ब्लड की वो है सेवन टू सेवन जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल इन ह्यूमन बॉडी जो उस उसको पूछा गया है ए ऑप्शन है वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी मिलीग्राम पर थाउजेंड एम एल हंड्रेड टू फिफ्टी मिलीग्राम वन फिफ्टी टू फिफ्टी मिलीग्राम एंड हंड्रेड टू फिफ्टी मिलीग्राम तो इसका राइट आंसर है वन फफ्टी टू टू फिफ्टी मिलीग्राम पर हंड्रेड एम एल तो एडल्ट एंड चिल्ड्रेन हाई हैव हाई कोलेस्ट्रोल लेवल Normally, uh, than aged. Uh, दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड हाइपर लिपीडीमिया लोअर कोलेस्ट्रोल लेवल आर नॉन एज हाइपोलिपीडीमिया अगर तो ब्लड में जो कोलेस्ट्रोल लेवल है उसकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से डाउन है तो उस कंडीशन को हाइपोलिपीडीमिया कहेंगे और अगर तो नॉर्मल वैल्यू से वो अबव है तो उसको हम कहेंगे हाइपर लिपीडीमिया तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये एक यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर लेस दैन टू हंड्रेड मिलीग्राम है तो वो डिज़ायरेबल लेवल है और अगर टू हंड्रेड से टू थर्टी नाइन के दरमियान वैल्यू है तो वो बॉर्डर लाइन हाई लेवल है कि दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी हाई इन फ्यूचर हाई लेवल यहाँ पे दिखा हुए टू फिफ्टी मिलीग्राम है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं द फ्लुड पार्ट ऑफ ब्लड फ्लुइड पार्ट जो है इसके ऑप्शन देखते हैं रेड ब्लड सेल्स बी है वाइट ब्लड सेल्स सी है प्लाज्मा डी है ऑल ऑफ दीज तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्लाज्मा तो इसमें बेसिकली जो है सेल्स होते सेल्स नहीं होते तो जो इसमें ब्लड का वो पार्ट जिसमें सेल्स नहीं होते या नॉन सेलुलर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा उसमें बेसिकली ये आयरन मिनरल्स या प्रोटीन सोलबल प्रोटीनस इस तरह के सारे जो हैं वो कंपोनेंट्स होंगे तो इसमें आप ये देख सकते हैं फ्लास्क में जो प्लाज्मा है, है इसमें सॉल्ट्स हैं मिनरल वाटर है प्रोटीनस हैं है, और रेड ब्लड सेल्स जो और जो बफ़ी कोट यहाँ पे दिखाया हुआ है ये बेसिकली ये प्लाज्मा से जो बाकी पार्ट है जिसमें सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स तो वो सब आएंगे इसमें ठीक है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्लाज्मा प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड अबाउट फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ आर ब्लड ब्लड इज प्लाज्मा एंड द रिमेनिंग फोर्टी फाइव परसेंट आर रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स देट आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा प्लाज्मा इज अबाउट नाइन्टी टू परसेंट वाटर अगर हम इस प्लाज्मा की बात करें तो इसमें वाटर जो है इसकी कंसनट्रेशन सबसे इसकी जो वॉलीम है वो सबसे ज़्यादा होता है नाइन्टी टू परसेंट होता है क्वेश्चन नंबर एट प्लाज्मा प्रोटीन्स फिब्रेनोजन हैज एन एक्टिव रोल इन ये पूछा हुआ है कि जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है ब्लड प्रोटीन जो फिब्रेनोजन है उसका रोल बताएं ए है ब्लड सप्लाई बी है क्लोटिंग ऑफ ब्लड सी है ऑक्सीजन सप्लाई डी है न्यूट्रेंट सप्लाई तो इसका राइट आंसर है क्लोटिंग ऑफ ब्लड तो फिब्रनोजन इज अ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन द लिवर एंड ट्रेवल्स थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम टू द अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आउटसाइड ऑफ ब्लड वैसल्स फेब्रेनोजन इज कन्वर्टेड बाई द इन्जाइम थ्रोम्बिन इन टू फेबरन ड्यूरिंग ब्लड क्लोट फॉर्मेशन प्लेइंग अ की रोल इन वाउंड हीलिंग तो इसमें बेसिकली देखें फेब्रेनोजन जो है ये जब कन्वर्ट होगी फेबरन में विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन इन्जाइम तो ये बेसिकली वाउंड हीलिंग या ब्लड क्लोट फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगी क्वेश्चन नंबर नाइन प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबिल्स फंक्शन एंड ए है एंटीजन बी है एंटीबॉडी सी है ऑल ऑफ दी है नन ऑफ दी तो इसका आंसर है एंटीबॉडीज़ एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन्स डैट प्रोटेक्ट यू वैन एन अनवानटेड सब्सटेंस एंटर योर बॉडी प्रोड्यूस बाई योर ओन इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बाइंड टू दिस अनवॉन्टेड सब्सटेंस इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दैम फ्राम योर सिस्टम तो जो ब्लड प्लाज्मा जो प्लाज्मा में जो ग्लोबिल्स होती हैं वो बेसिकली क्या है एंटीबॉडीज़ होती हैं तो ये एंटीबॉडीज़ की डिफरेंट यहाँ पे पिक्चर में राइट साइड पे दिखाया हुआ है आईजीजी आईजीई आईजीडी आईजीए एंड आईजीएम दीज आर ऑल क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़ और ये एंटीबॉडी का बेसिकली स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है टू हैवी चेंज होती हैं टू लाइट चेंज होती हैं तो जो प्लाज्मा में जो ग्लोबुलन्स हैं वो बेसिकली क्या हैं एंटीबॉडीज़ क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स मेंटेन द ब्लड पीएच के कौन सी ऐसी प्लाज्मा में प्रोटीन्स हैं जिसकी वजह से जो ब्लड की पीएच वो मेंटेन रहती है ए इज़ ए ऑप्शन है ग्लोबुलिन बी है एल्ब्यूमिन सी है एक्टिन और डी है सेरेन तो इसका आंसर है एल्ब्यूमिनस तो एल्ब्यूमिन इज़ द मोस्ट अबंडेंट सर्कुलेटिंग प्रोटीन फाउंड इन द प्लाज्मा इट रिप्रजेंट्स हाफ ऑफ द टोटल प्रोटीन कॉन्टेंट ऑफ प्लाज्मा इन हेल्दी ह्यूमन पेशेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। बाईकनकेव डिस्क शेप ब्लड सेल्स कौन से होते हैं पूछा है ब्लड में जो सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं आर बी सीज हैं और ये प्ला ग्रैनोलोसाइड्स एक ग्रैनुलोसाइट्स इनमें से कौन से हैं जिनकी शेप जो है वो डिस्क है मतलब के दोनों साइड से वो क्या होंगे कनकेव uh, हो गया लाइक like ये कनकेव होती है शेप ये तो इसमें देखें इधर से भी कनकेव है इधर से भी कनकेव हैं तो ये क्या है बाइकन केव हैं तो बेसिकली ये होते हैं रेड ब्लड सेल जिनको एरेथ्रोसाइड्स भी कहते हैं द शेप ऑफ द ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज़ नॉन टू बी बाइकन केव डिस्क इट इज़ एविडेंट फ्राम द वैराटी ऑफ थ्योराटिकल वर्क दैट नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेम्ब्रेन सच एज इट्स बैंडिंग एनर्जी एंड अलास्टिसिटी कैन एक्सप्लेन द रेड ब्लड सेल बाइकन केव शेप एज वेल एज अदर शेप दैट रेड ब्लड सेल्स एज्यूम नॉन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है नॉन न्यूक्रिएट ब्लड सेल्स के जो वाइट ब्लड सेल्स ए ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल्स हैं बी है प्लाज्मा सी आर बी सी डी है ग्रेनोरोसाइड्स तो जो आर बी सीज हैं रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये क्या होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता जिसको नॉन न्यूक्टिड बोला जाता है तो रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज अलेथ्रोसाइड्स डिलीवर ऑक्सीजन टू द टिश्यू इन योर बॉडी Oxygen turns into energy and your tissue release. Carbon dioxide red blood cells don't have a nucleus like white blood cells, allowing them to change shape and move throughout your body easier. Question number 13 respiratory pigments present in RBCs. A h hemoglobin, B is hemocyanin, C is erythro. सीरोइन एंड क्लोरोन डी है नान ऑफ अबाव आंसर है इसका हीमोग्लोबिलन यूर एक्सपाइरेटरी पिगमेंट है जो बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट करेगा टू अदर टिश्यू सेल्स वो है हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन इज द प्रोटीन फाउंड इन रेडबर सेल्स एड दैट कैरी ऑक्सीजन इन योर बॉडी एंड गिव ब्लड इट्स रेड कलर हिमोग्लोबिन ट्रेवल वेरी फ्रॉम परसन टू परसन मैन यू हैव हाई लेवल दैन वुमेन तो ये आप देख रहे हैं ये ब्लड सेल है इसमें जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये बेसिकली क्या है ये हमारी हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि जिसने क्या करना है ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर करना है ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये देखें ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ये इसमें ये आयरन मॉलिक्यूल है अल्फा चेन है ये इसमें बीटा चेन है और ये हमारे रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होती है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आर बी सी इज प्रोड्यूस्ड इन द ए ऑप्शन स्प्लेन बी इज़ द लिवर सी बोन मैरो लंग्स तो इसका राइट आंसर है बोन मेरो जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड है ये कहाँ पे बनता है ये बोन मेरो में बनता है बोन मेरो इज़ फाउंड इन देंटर्स ऑफ मोस्ट बोन्स एंड हैज़ मैनी ब्लड वेसल्स देर आर टू टाइप्स ऑफ बोन मैरो रेड एंड येलो रेड बोन मैरो कंटेन्स ब्लड स्टेम सेल्स डैट कैन बिकम रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स येलो बोन मैरोज मेड मोस्टली ऑफ फैट यू कैन सी हियर बोन तो ये जो दरमियान में है ये क्या है ये बोन मैरो है इसके अंदर ब्लड सेल्स होंगे ठीक है